हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अमरीकी सदर जो बाइडन मार्च में कनाडा का अपना पहला सरकारी दौरा करेंगे। कैनेडियन वजीर आजम की अमरीकी सदर से मुलाकात में दौरे का ऐलान किया गया। मुलाकात में अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। कनाडा का यूक्रेन के लिए अमरीकी साख्ता मिसाइल दिफाई निज़ाम खरीदने का फैसला। दिफाई सिस्टम यूक्रेन को फिजाई दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद करेगा। इमदाद पर तकरीबन $406 मिलियन लागत आएगी। ऑन्टेरियो हुकूमत का सनअतों पर कार्बन टैक्स आयद करने का फैसला। हुकाम को अगले 8 सालों में सनअती अखराज करने वालों से $2.2 बिलियन जमा होने की तवक्को है। माहौलियाती ग्रुप हासिल होने वाली आमदनी की निगरानी करेंगे। अमरीका कैलिफोर्निया में शदीद बारिशों और तूफान के बाइस 15 अफराद लोकमय अजल बन गए। 34 मिलियन अफराद सैलाब के खतरे से दो चार, हजारों अफराद नकल मकानी कर गए। हंगामी सूरत हाल के बाइस कैलिफोर्निया के लिए विफाकी इमदाद का हुक्म। रूस का यूक्रेनी कस्बे सोलेदार पर कंट्रोल का दावा, कीव की तर्दीद। कब्जा रूस के लिए अलामती फौजी और तजारती अहमियत का हामिल होगा। मशरकी यूक्रेन का कस्बा कई दिनों से शदीद लड़ाई का मरकज बना हुआ है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. अमेरिकी सदर जो बाइडन मार्च में कनाडा का अपना पहला सरकारी दौरा करेंगे, जिसकी व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन मार्च में कनाडा का अपना पहला सरकारी दौरा करेंगे, जिसकी व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी है। यह ऐलान उस वक्त हुआ जब अमरीकी सदर बाइडन और कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के दरमियान मैक्सिको सिटी में 3 इमिगोस सरबराह इजलास के मौके पर दो तरफा मुलाकात हुई। कनाडा आमतौर पर नए सदर के लिए पहले गैर मुल्की दौरों में से एक है, लेकिन बाइडन का दौरा कोविड-19 की वजह से जुज़वी तौर पर ताखीर का शिकार हुआ। व्हाइट हाउस का कहना है कि उन्होंने और ट्रूडो ने तजारत और हेटी में सिक्योरिटी की सूरत हाल से लेकर मादनी सप्लाई चेन और ग्रीन एनर्जी तक बहुत से मसाइल पर बात की। उन्होंने नेक्सस के नाम से जाने जाने वाले काबिल एतमाद ट्रैवल प्रोग्राम के बारे में भी तबादला ख्याल किया, जो कि कनाडा में सेंटर्स में कानूनी तहफ़ुज़ात पर अमरीकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन के साथ तनाज़े की वजह से वबाई मर्ज के आगाज के बाद से जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। सदर के दौरे की सही तारीखों और मकामात का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। कनाडा के वजीर आजम के दफ्तर ने ऐलान किया है कि कनाडा यूक्रेन के लिए अमरीकी साख्ता मिसाइल दिफाई निज़ाम खरीदेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा यूक्रेन के लिए अमरीकी साख्ता मिसाइल दिफाई निज़ाम खरीदेगा और मार्च में अमरीकी सदर जो बाइडन का दौरा करने पर उनका खैर मकदम करेगा। कनाडा के वजीर आजम के दफ्तर ने ऐलान किया है कि कनाडा यूक्रेन के लिए अमरीकी साख्ता मिसाइल दिफाई निज़ाम खरीदेगा और मार्च में अमरीकी सदर जो बाइडन का दौरा करने पर उनका खैर मकदम करेगा। कनाडा का नसैम्स अतिया यूक्रेन को फौजी मकामात, शहरी अहम बुनियादी ढांचे और आबादी के मराकज पर तबाहकुन फिजाई हमलों के खिलाफ अपने फिजाई दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद करेगा। रिलीज में कहा गया है कि इस अतिया पर
तकरीबन 406 मिलियन डॉलर लागत आएगी और ये यूक्रेन के लिए 500 मिलियन डॉलर की इमदाद से आएगी, जिसका ऐलान ट्रूडो ने नवंबर 2022 में किया था। रिलीज में ये नहीं बताया गया कि ये निज़ाम कब यूक्रेन में पहुंचेगा। हुकूमत अमेरिका के साथ काम कर रही है ताकि इसे जल्द अज जल्द यूक्रेन तक पहुँचाया जा सके। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड की हुकूमत अगले 8 सालों में सनअती अखराज करने वालों पर कार्बन टैक्स के जरिए $2 बिलियन से ज्यादा हासिल करने की तवक्को रखती है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड की हुकूमत अगले 8 सालों में सनअती अखराज करने वालों पर कार्बन टैक्स के जरिए $2 बिलियन से ज्यादा हासिल करने की तवक्को रखती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑन्टेरियो हुकूमत ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो टैक्सेस के साथ क्या करेगी। उसने कॉरपोरेट लॉबी से लेकर माहौलियाती ग्रुपों तक हर एक को सूबे से आमदनी के इस नए जरिए के बारे में अपने मंसूबों की वजाहत करने का मुतालबा किया है। ऑन्टेरियो ग्रीन हाउस गैसों के अखराज के सबसे बड़े सनअती प्रोड्यूसर्स बशमूल ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, स्टील मिल्स, सीमेंट बनाने वाले, केमिकल प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरियों से तामील अदायगियां जमा करना शुरू करने के लिए तैयार है। ये सनअती कार्बन की कीमतों के तायुन के वफाकी प्रोग्राम से मुंतकली की निशानदही करता है जो 2019 से नाफिज है, जो विफाक की तरफ से नाफिज किया गया था जब डग फोर्ड हुकूमत ने सूबे के कैप एंड ट्रेड सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। ऑन्टेरियो के माहौलियात तहफ़ और पार्क्स की वजारत के तर्जुमान गैरी वेलर का कहना था कि हम प्रोग्राम के तहत जमा होने वाली आमदनी के इस्तेमाल के लिए एक नुक्ता नज़र तैयार कर रहे हैं। माहौलियाती ग्रुप बारीक बीनी से देख रहे हैं कि ऑन्टेरियो आमदनी के साथ क्या करता है। सीनियर तजिया कार ने कहा कि हुकूमत को नई या उभरती हुई टेक्नोलॉजीज जैसे सीमेंट की कम अखराज वाली पैदावार में सरमायाकारी पर गौर करना चाहिए। कार्बन की कीमतों से हासिल होने वाली आमदनी को साफ सुथरी मईशत के इकदाम पर खर्च किया जाना चाहिए। अमेरिका की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत कैलिफोर्निया इन दिनों बर्फानी तूफान से नबरदाजमा है। इसके पेश नज़र अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एमरजेंसी का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में तूफानी बारिशों, तेज हवाओं और सैलाब के नतीजे में कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीका की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत कैलिफोर्निया इन दिनों बर्फानी तूफान से नबरदाजमा है। इसके पेश नज़र अमरीकी सदर जो बाइडन ने एमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक हजारों लोग अपने घर खाली कर चुके हैं जबकि लाखों मजीद शदीद मौसमी इंतबाहात की इज्जत में है। हुकाम की जानिब से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 188,000 घर और कारोबारी मराकज में बिजली की फरहमी तातुल का शिकार हो चुकी है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक बाइडन ने शदीद बर्फानी तूफान, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल के बायस कैलिफोर्निया के लिए विफाकी इमदाद का हुक्म दिया है। ये हंगामी ऐलान होमलैंड सिक्योरिटी और फेडरल एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी को आफात से निमटने की तमाम कोशिशों को मरबूत करने का इख्तियार देगा। अमरीकी महकमा मौसमियात की जानिब से मंगल और बुध को रियासत के बेशतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई, जबकि कुछ इलाकों में खतरनाक मिट्टी के तोदे गिरने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। महकमे ने इसे जनवरी 2005 के बाद सबसे ज्यादा मुतासिर कुन तूफान करार दिया है। दूसरी जानिब हुकाम ने खबरदार किया है कि साहिल से एक बहुत बड़ा तूफान तैयार हो रहा है। मॉन्टेस्टे फायर डिपार्टमेंट की तरफ से पीर की सपहर को जारी करदा एक हुक्मनामे में कस्बे और आसपास की वादियों के रिहायशियों को कस्बा छोड़ने की हिदायत की गई है, जबकि भागने से कासिर रहने वालों को कहा गया है कि वो अपने अंदरूनी कमरे या ऊंची जगह पर चले जाएं। रूसी नीम फौजी तंजीम वैगनर ग्रुप ने मशरकी यूक्रेन में सोलेदार कस्बे पर कंट्रोल का दावा किया है, जबकि कीव की जानिब से दावे को मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि कोशिश नाकाम बना दी गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रूसी नीम फौजी तंजीम वैगनर ग्रुप ने मशरकी यूक्रेन में सोलेदार कस्बे पर कंट्रोल का दावा किया है, जबकि कीव की जानिब से दावे को मुस्तरद करते हुए कहा गया है की कोशिश नाकाम बना दी गई है। मशरकी यूक्रेन का कस्बा जो नमक की कानों के लिए मशहूर है, कई दिनों से शदीद लड़ाई का मरकज बना हुआ है। सोलेदार बाखमौत से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है और इस पर कब्जा रूस के लिए अलामती फौजी और तजारती अहमियत का हामिल होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मीडिया ने वैगनर के सरबराह योगेनी प्रिगोजिन का एक बयान जारी किया, जिसने कहा कि यूक्रेनी बाशिंदे अब शहर के मरकज में महसूर हो चुके हैं, जबकि इससे कबल यूक्रेन की नायब वजीर दिफा हेना मलियार ने कहा था कि भारी लड़ाई जारी है। ताहम दोनों फरीकों के दावों की आजादाना तौर पर तस्दीक न हो सकी है। मंगल को प्रिगोजिन ने अपने एक बयान में कहा कि वैगनर यूनिटों ने सोलेदार के पूरे इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है,
शहर के वस्त में एक कॉल्ड्रन तश्कील दिया गया है जिसमें शहरी लड़ाई जारी है। सिर्फ वैगनर के जंगजू जो रूसी मुसलह अफवाज का हिस्सा नहीं है सोलेदार के तूफान में हिस्सा ले रहे थे। दरी असना मलियार ने इसे चंद घंटे कबल कहा था कि दुश्मन अपने अहलकारों के बड़े नुकसान पर तवज्जो नहीं देता और अपनी हालिया सरगर्मी से तूफान जारी रखे हुए है। हमारी पोजीशन तक पहुंचने के लिए सिर्फ दुश्मन के मुर्दा जंगजुओं की लाशें बिखरी हुई हैं। हमारे जंगजू बहादुरी से दिफा कर रहे हैं। कबल अजी बरतानवी वजारत दिफा ने मंगल को कहा था कि रूसी फौजी और वैगनर ग्रुप का अब कस्बे पर कंट्रोल होने का इम्कान है। पीर के रोज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सोलेदार में तकरीबन कोई जिंदा नहीं और पूरी दीवारें बाकी नहीं रहीं। ये पागलपन की तरह लगता है। और मंगल को देर गए एक नए खिताब में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी अफवाज की लचक की तारीफ की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल की शाम अपने बाकायदा वीडियो खिताब में सोलेदार के कंट्रोल का जिक्र नहीं किया जब उन्होंने मजीद मगरबी हथियारों के लिए अपने मुतालबे को दोहराया और कहा कि रूस अपनी फौजी मुहिम को तेज करने की कोशिश कर रहा है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।